हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन इन दिस सुपर कूल सेशन। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं हूं डॉक्टर मीतु भावनानी। आप मेरे साथ अन अकेडमी पे जुड़ चुके हैं, उसके नंबर वन चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी। स्टूडेंट्स लेट्स क्रैक इट। मैं हूं आपकी एजुकेटर जो आपके नीट यूजी की बायोलॉजी लेगी लेट्स क्रैक नीट यूजी पर। मेरा नाम डॉक्टर मीतु भावनानी है, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपकी एमबी मैम हूं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं और पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं। स्टूडेंट्स, अपन लोगों के जो कनेक्शन है एक एजुकेटर एक स्टूडेंट का, वो बहुत सालों से है। तो अब मैं ये कनेक्शन अन अकेडमी पर रहकर आपके साथ जोड़ रही हूँ, ठीक है? तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इस सेशन को और लोगों को बताइए और स्टूडेंट्स को बढ़ाइए, खूब सारे लोग आ जाइए इस सेशन को हम लोग देखेंगे। अगेन आज हम लोग एक वन शॉट वन वीडियो लेने वाले हैं, चैप्टर का नाम है, बहुत जल्दी बता रही हूँ। और अभी के अभी इस सेशन को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है? आप जुड़ चुके हैं अन अकेडमी, इंडिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म है, नंबर वन, ठीक है? अब देखो करना क्या है आपको। अगर आपको अन अकेडमी के साथ जुड़ना है तो सबसे पहले आपको फोन के प्ले स्टोर में जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंस्टॉल गए, आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, बैंक पीओ, आपको एसएससी दिखेगा, सीएसआईआर नेट यूजी नीट। अब जैसे आपको सीएसआईआर नेट यूजी, अब आपको दिखा यूपीएससी, अब आपका इंटरेस्ट क्या है नीट यूजी में, तो आप नीट यूजी को देखो। यहां पर आपको 63 प्लस टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, हर महीने आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो वहां पर क्या है, जैसे आपने नीट यूजी का कुछ आपको कि भाई मुझे, मैं नीट यूजी का एस्पिरेंट हूं, मुझे मैम से नीट यूजी पढ़नी है, ठीक है? सो सॉरी, वेरीड एक्सपीरियंस एजुकेटर्स में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है स्टूडेंट्स। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको डेली लाइव क्लासेस दूंगी मैं, पूरा एक कोर्स। देखो मैं कभी भी जो चीज पढ़ाती हूँ वो पूरे स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है, कभी भी मैंने आपको ऐसे बेकार टल कुछ भी नहीं पढ़ाया है। टेस्ट लूंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी एंड अनलिमिटेड एसेस। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन करना है आपको, उससे आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेज, मतलब सब कुछ देख सकते हो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन। और उसमें भी सबसे बेस्ट है 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन। 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स, आपको मेरा कोड MB10 यूज करना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगेन कहूंगी, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, नीट यूजी आप एस्पिरेंट है, आप गेट सब्सक्रिप्शन लीजिए। 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स बेस्ट है, मैं हमेशा यही कहती हूँ सेशन में। यार नीट यूजी की तैयारी ऐसे कोई 1-2-3 महीने में नहीं हो सकती है, उसको आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, 1 एंड 2 ईयर। MB10 आपको यूज करना है, को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो टॉपिक आज मैं लूंगी इन्वायरमेंटल इशू, क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसके वेटेज के बारे में बात करें तो 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि हर साल आते हैं। अब आपने कहा होगा कि मैम आपने इस सेशन को ले लिया था, वो सेशन मैंने थोड़ा सा लिया था, मेनली वो जो कोर्स है वो नीट एक्सेलरेट 2021, 2022 एंड 2023 के लिए। तो मैं यहाँ पर, अब क्या है बच्चों की रिक्वेस्ट आने लगी कि मैम आप वन शॉट वन वीडियो ज्यादा लो, तो इसी ही चैप्टर को मैं वन शॉट वन वीडियो में लूंगी, पूरा वन गो में कर लेंगे हम लोग, ठीक है? हम लोग क्या कंटेंट देखने वाले हैं, देखो इंट्रोडक्शन, पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट, टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट, हार्मफुल इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स। आप खुद सोचो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंट आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वायरमेंट का मतलब एक तरीके से आपका पूरा इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, पूरा इकोसिस्टम, जिसमें हम लोग बायोस्फेयर को भी देखेंगे, ठीक है, लिथोस्फेयर को भी देखेंगे, इज इट क्लियर, एटमोस्फेयर को भी देखेंगे एंड हाइड्रोस्फेयर को भी देखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब यहां पर हम जो रिलेट कर रहे हैं वो एबायोटिक को बायोटिक के साथ कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम वो तो इकोसिस्टम में आता है, मुझे पता है वो इकोसिस्टम में आता है, लेकिन जब ह्यूमंस इकोसिस्टम को, लिथोस्फेयर लैंड को, एटमोस्फेयर एयर को और हाइड्रोस्फेयर वाटर को अनलिमिटेड तरीके से यूज कर रहे हैं, अनवांटेड उसको खराब कर रहे हैं,
तो इन्वायरमेंट में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। देखो यहां पर ये पूरा आपका ग्लोब है, ग्लोब क्राइम क्यों क्राई कर रही है, क्योंकि उसके पास इश्यू है। देखो हम लोग अपनी लाइफ में कब परेशान हो जाते हैं, जबरदस्ती के इश्यू क्रिएट हो गए हैं, फ्रेंड से झगड़ा हो गया है, फैमिली मेरी बात समझ नहीं रही, जबरदस्ती के इश्यू क्रिएट होते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। यहां पर इन्वायरमेंट में इश्यू क्रिएट हुए हैं तो ग्लोब और अर्थ परेशान हो गई है। अगर इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं, देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जैसे साइंटिस्ट ने जो भी सर्वेस किए, सबसे बड़ी जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, अभी चैप्टर शुरू हो गया है, वन गो में होगा, तो टिल एंड तक आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, जुड़े रहना है। तो अभी की अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, पूरा एंड तक आपको इस चैप्टर में जुड़े रहना है, ठीक है। अगर हम लोग मेन इश्यूज के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, और सेकेंड है इलिटरेसी। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल इशू लिया है वो है पॉपुलेशन का। दिन ब दिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग देखा जाए तो बर्थ रेट डेथ रेट से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। बर्थ का जो रेट है वो डेथ रेट से क्या है स्टूडेंट्स, ज्यादा है। अब जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा खाना चाहिए, पानी भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। आज हम लोग जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं, मैं क्यों रूम में पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। आप मुझे क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। हमें रोड्स चाहिए कनेक्शन के लिए, क्योंकि बसेस चलानी है, ट्रेन चलानी है, इज इट क्लियर। और अब देखो ये जो जितनी भी चीजें हमें रिसोर्सेस चाहिए, अब जितने ज्यादा ह्यूमंस होंगे उतने ज्यादा वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे उतना ज्यादा अर्थ क्या हो जाएगी, कंटेमिनेट हो जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग फटाफट वन गो में ले लेंगे, क्योंकि सच में ये चैप्टर बहुत आसान है। लेकिन चैप्टर आसान हो या सिंपल हो उससे रिलेटेड नहीं है। बच्चों का ये रिक्वेस्ट रहती है कि मैम इकोलॉजी का पूरा मैराथन ले लो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक एक चैप्टर का वन शॉट ले रहे हैं। जब एक चैप्टर, जैसे उसके जो और तीन यूनिट्स हैं उनका भी वन शॉट ले लूंगी, फिर उस यूनिट का पूरा मैराथन चार चैप्टर कर लेंगे। तो कितनी बार रिविजन हुआ चैप्टर्स का, मिनिमम टू बार हुआ। मैंने कहा था कि मैं दो बार रिविजन करा के ही दम लूंगी, और 5 से 7 जुलाई तक आपका पूरा नीट का कोर्स दो बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। चलो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन का मतलब है गंदगी फैलाना, पोल्यूशन का मतलब है गंदगी फैलाना, मतलब कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है वो पॉपुलेशन से क्या है, रिलेटेड है। जो पोल्यूशन है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है, पी से पी, ओवर पॉपुलेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, गेटिंग माई पॉइंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब पॉल्यूशन किसे कहते हैं, किसी भी चीज को उसकी नॉर्मल कंडीशन में चेंज कर देना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। हम कहते हैं हमें डिजीज होती है, डिस ईज हो जाती है, हम अपनी नॉर्मल हेल्थ से अवे चले जाते हैं। तो जब हम इन्वायरमेंट में गंदगी फैला रहे हैं, उसके फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं, उसमें अनवांटेड केमिकल्स डाल रहे हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर रहे हैं, जैसे एयर का नॉर्मल कॉम्पोजिशन है कि नाइट्रोजन उसमें इतना है, ऑक्सीजन उसमें इतना है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कंपोजिट पर मतलब 0.5 में उसका रेशियो आता है। अब मैंने इस कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया, नाइट्रोजन हो गया है 42%, अनवांटेड गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो गई है, तो वो एयर क्या हमारे लिए सूटेबल होगी, बिल्कुल नहीं होगी। बायोलॉजिकल मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज वहां पर प्रेजेंट है वो भी उस चीज से क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। मतलब नॉर्मल इन्वायरमेंट है, आप उसको एबनॉर्मल बना रहे हो, ठीक है, एबनॉर्मल। तो अगर बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक को अनवांटेड एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हें खराब कर रहे हैं, देखो एबायोटिक कंपोनेंट्स का ओवरऑल मतलब क्या है, एयर, वाटर एंड लैंड, हमें इन तीन चीजों के बारे में भी पढ़ना है। थोड़ा बहुत हम लोग एक्स्ट्रा भी देखेंगे, जैसे हम नॉइस पोल्यूशन को देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीजें भी देखेंगे। तो बायोटिक कॉम्पोनेंट्स इन तीनों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स बिगड़ जा रहे हैं। इन फ्यूचर अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स कंटेमिनेट होंगे,
बेकार होंगे, नहीं यूजेबल फॉर्म में होंगे, तो बायोटिक कंपोनेंट्स को भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पोल्यूशन तो डिजीज है, ठीक है, लेकिन अगर उसके कॉजेस की बात करूं, उसके एजेंट्स की बात करूं, तो क्या मैं उन्हें पोल्यूटेंट्स कह सकती हूं? बिल्कुल। यहां पर मेनली पोल्यूशन किसका क्रिएट हो रहा है? एबायोटिक कंपोनेंट्स को इरेगुलर यूज करने का, इरेगुलर यूजेज ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर मतलब एयर पोल्यूशन, हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर पोल्यूशन, लिथोस्फेयर मतलब लैंड पोल्यूशन, और नॉइज पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अनवांटेड वॉइसेस या अनवांटेड साउंड्स या वॉइसेस जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, जो बॉडी को अच्छी नहीं लग रही हैं, सूटेबल नहीं है, आपकी हेल्थ को खराब कर रही है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब हो रही है, फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है, ईयर ड्रम पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि नॉइज का सीधे रिलेशन किससे है? आपके ईयर से। ईयर इज अ सेंस ऑर्गन हु इज रिसीविंग द ऑडिबल वाइब्रेशन, तो कहीं ना कहीं ईयर ड्रम में प्रॉब्लम आ रही है। सेंस ऑर्गन में प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, हेडेक की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मतलब ओवरऑल धीरे धीरे पूरा फिजियोलॉजी बिगड़ने लग जाएगा। अब अदर इश्यूज में क्या देखेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब अगर एयर पॉल्यूशन है तो उसका जो कॉजेस है वो क्या है? एयर पॉल्यूटेंट्स, मतलब ये पॉल्यूटेंट्स एयर में एड हो जाएंगे और एयर को कंटेमिनेट कर देंगे। वॉटर पॉल्यूटेंट्स, वाटर में ऐड हो जाएंगे, कुछ भी हो सकते हैं, ये सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, पैथोजेंस भी हो सकते हैं, वाटर को गंदा कर देंगे। लैंड पॉल्यूटेंट, कोई सब्सटेंसेस सॉइल में डाल दो, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दो, उसको रहने लायक मत बनाओ, उसको खेती बाड़ी के लिए मत बनाओ, पूरा उसकी जो फर्टिलिटी वो खराब कर दो। अगर फर्टिलिटी खराब हो जाएगी तो कहां से आप कल्टीवेशन करोगे? कल्टीवेशन नहीं होगा तो कहां से एक्सपेक्ट करोगे कि क्रॉप बनेगी, हम लोग खाएंगे? ठीक है, नाउ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का सिंपल से ये मतलब होता है कि एयर को कंटेमिनेट करना, और वो किससे होता है? एयर पॉल्यूटेंट से, मतलब नॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस को बिगाड़ देना। नॉर्मल कॉम्पोजिशन क्या होता है? जैसे नाइट्रोजन का 78% है, ऑक्सीजन का 21% है, CO2 का 0.9% है, ठीक है, अदर्स भी आएंगे, अदर्स हैं, वॉटर वेपर्स हैं, मिसेलेनियस प्रोडक्ट्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो, एयर को आप किस तरीके से गंदा कर रहे हो? ऐसी क्या ह्यूमन एक्टिविटीज है कि एयर में पोल्यूशन हो रहा है? आप किसी भी चीज को जलाओ, आप एयर में जला रहे हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भर भर के अनवांटेड गैसेस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज से इमिशंस हो रहे हैं, ये देखो इंडस्ट्रियल इमिशंस, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद रेडियो एक्टिव, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एक्सप्लोजन हो गया है या कोई रेडियो एक्टिव फैक्ट्री है, वहां से कंटिन्यूस रेज निकल रही हैं, ठीक है, डस्ट, ऑटोमोबाइल्स, दिस इज ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन, नॉइज फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। देखो, नॉइज पॉल्यूशन एक सब टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन है, क्योंकि नॉइज की जो वाइब्रेशंस हैं वो इटसेल्फ कम्स इन एयर, इटसेल्फ कम्स इन एयर, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो, एयर इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है कि इस बच्चे ने मास्क लगा लिया है। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, हम लोग भी मास्क पहनते हैं कि वो एयर से हमारे में नहीं आ जाए या कंटेमिनेटेड पर्सन से मेरे में नहीं आ जाए, इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, ठीक है, हम लोग बार बार हाथ धो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। यहां पर इस बच्चे ने मास्क इसलिए लगाया है क्योंकि एयर इतनी बेकार हो चुकी है कि इसको पता है कि अगर ये हार्मफुल एयर मेरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली गई तो वो ब्लड में चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी तो अनवांटेड होगी, और ब्लड में जाने का मतलब है कि वो अनवांटेड चीजें अब आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन तक पहुंच सकती हैं और किसी भी फिजियोलॉजी को बिगाड़ सकती है, ठीक है। अब जैसे ये इंडस्ट्रियल इमिशंस हो रहे हैं, ठीक है, गैसेस। अब यहां पर देखो आप लोग,
यहां पर देखो, अगर मैं पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करूं तो ये एक फैक्ट्री है, पर ये स्टेशनरी है, ये यहीं पर ही बैठी हुई है और कंटिन्यूस पॉल्यूशन फैला रही है, ठीक है। अब ये क्या है, ये कार है, ये कार है, कार है, ये मोबाइल है, ये इधर उधर मूव कर रही है, ठीक है। अगर ये इधर उधर मूव कर रही है तो ये यहां पर भी पॉल्यूशन फैला रही है, यहां पर भी पॉल्यूशन फैला रही है और यहां पर भी पॉल्यूशन फैला रही है। तो स्टेशनरी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रह के पॉल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। और जो मोबाइल है वो जहां पर चले गए वहां वहां पॉल्यूशन फैला रहे हैं, यहां पर भी पॉल्यूशन फैला दिया, यहां पर भी पॉल्यूशन फैला दिया, यहां पर भी पॉल्यूशन फैला दिया, यहां वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, नेचुरल हो गया, ठीक है। सो दीज आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट टाइम निकल गए, सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी से आ गए, ठीक है। अब इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट है, देखो अगर हम लोग इस चैप्टर को बेसिक में ले तो सबसे पहले हम हर चीज का पॉल्यूटेंट्स पढ़ेंगे, मतलब कॉजेस पढ़ेंगे, ठीक है। देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉल्यूटेंट के पास हम लोग पढ़ेंगे। अब पॉल्यूटेंट ऐड हो गए तो डेफिनेटली उसके हार्मफुल इफेक्ट निकलेंगे, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि चीजें कंट्रोल भी होनी चाहिए। तो ये तीन पॉइंट आपको तीनों पर अप्लाई करना है, चाहे आप एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हो, वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हो, आप नॉइस पोल्यूशन पढ़ रहे हो, लैंड पोल्यूशन पढ़ रहे हो, आप ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोई सी भी प्रॉब्लम पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आप खुद बताओ कि गैसेस आप रेस्पिरेशन में अंदर है तो सबसे पहले आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। गैसेस हार्मफुल है, ठीक है। प्लांट्स प्रॉपर CO2 नहीं ले पा रहे हैं, वो प्रॉपर CO2 नहीं ले पा रहे हैं तो नो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस, नो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्रॉप की यील्ड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। प्री मैच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्री मैच्योर डेथ ऑफ प्लांट मतलब प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, उसके हॉर्मोन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। हाई नॉइज कॉजिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नॉइज एयर में आ रही है उसके बाद आपकी ईयर ड्रम तक पहुंच रही है, तो इसको इसका सब टाइप हम कंसिडर कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब देखो हाँ, हेल्थ इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, ये पूरा का पूरा ले लिया, अगर एयर पॉल्यूशन है, ये आपका वॉटर पॉल्यूशन है, ये सॉइल, अगर पैथोजेंस जाएंगे तो भी आपको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर पार्टिकुलेट मैटर जाएंगे तब भी प्रॉब्लम होगी, अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन है तो भी यूवी रेज आएंगी और स्किन कैंसर करेंगी, ठीक है। ये कैंसर रिस्क, स्किन इरिटेशन, पेस्टिसाइड स्प्रिंकल किया, एयर में किया तो भी प्रॉब्लम, वॉटर में चला गया तो भी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा हैवी नॉइज है, हैवी नॉइज, ठीक है, तो हेडेक एंड फटीग। अब इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हो, देखो हम देखो जो कंट्रोल कैसे हो सकता है, कंट्रोल आपका डायरेक्टली रिलेटेड है कॉजेस से, जो भी कॉज है उसको क्या कर दो, हटा दो, रिड्यूस कर दो या फिर मिनिमाइज कर दो। अगर पॉल्यूटेंट्स ही हट जाएंगे तो पॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो कंट्रोल का मतलब क्या है, रिमूव द पॉल्यूटेंट्स, रिमूव द पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। कैसे हो सकता है, देखो जैसे इंडस्ट्रीज से जो इमिशंस निकल रहे हैं, अगर मैं उन्हें छान लूं, जैसे इंडस्ट्रीज से बैड प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, अगर मैं उन्हें पहले ही थोड़ा सा छान लूं, छान के बहुत सारा गंदा मैटर पहले ही अपने पास रख लूं और फिर मैं एयर को बोलूं कि तुम जाओ, तो जो एयर इंडस्ट्री से निकलेगी वो ज्यादा हार्मफुल होगी या लेस हार्मफुल होगी, वो वेरी वेरी लीस्ट हार्मफुल होगी, ठीक है। ऑटोमोबाइल से जो इमिशंस निकल रहे हैं, ऑटोमोबाइल से जो इमिशंस निकल रहे हैं आप उन्हें रिड्यूस कर दो, ऑटोमोबाइल की मेंटेनेंस करो, जो पेट्रोल डीजल आप डलवाते हो उसको थोड़ा देखो, नॉइस का रिडक्शन करो, साफ सफाई करो, लेसर डोमेस्टिक वेस्ट, क्योंकि डोमेस्टिक वेस्ट अगर बायोडिग्रेडेबल है तो ठीक है, लेकिन उसका भी मैनेजमेंट होना चाहिए, नहीं कि केले का छिलके लिया आपने कहीं पे भी डाल दिया, उसको कोई फिसल सकता है, अब अगर एनवायरमेंट में डिग्रेड होगा तो कहीं ना कहीं उसकी भी फाउल स्मेल आएगी, अगर प्लास्टिक है तो वो डिग्रेड हो ही नहीं सकता, वो तो ज्यादा हार्मफुल है, वो तो फिर बायो मैग्निफिकेशन करने लग जाएगा, ठीक है।
गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, जैसे मैंने कहा ये इंडस्ट्री है, ये क्या है? इंडस्ट्री है। इससे क्या है, ये यहां पर इसका सबस्ट्रेट है, ठीक है, जो भी सबस्ट्रेट हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये गैशियस इमिशंस है, ठीक है। अब ये क्या है, गैशियस इमिशंस बहुत हार्मफुल है स्टूडेंट, लेकिन मैं अगर यहां पर इस डिवाइस की हेल्प लू, या मैं किसी भी चीज की हेल्प लू कि जो गैशियस इमिशंस हैं वो लेस हार्मफुल हो जाए, मतलब जो बैड सब्सटेंस हैं वो यही ट्रैप हो जाएं, तो जो इमिशंस होंगे वो लेस हार्मफुल निकलेंगे। अब देखो, हम लोग जो सब्सट्रेट यूज कर रहे हैं डेफिनेटली वो कोई ना कोई पार्टिकल के फॉर्म में होगा, ठीक है, पार्टिकल के फॉर्म में होगा, तो अगर सब्सट्रेट पार्टिकल है तो प्रोडक्ट भी पार्टिकल निकलेगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर अगर एयर में आएंगे तो जो एयर के अंदर होगा मैं उसे ही रेस्पायर करूंगी। अगर मैंने उन पार्टिकल्स को रेस्पायर किया और वो मेरे एल्वियोलाई में चलेगा, सपोज करो ये एल्वियोलाई है, ठीक है, और एल्वियोलाई में ये चलेगा पार्टिकुलेट मैटर, तो गैशियस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। गैशियस एक्सचेंज घट जाएगा तो डेफिनेटली द पर्सन इज गोइंग टू सफर फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब देखो, वर्किंग ऑफ प्रेसिपिटेटर का मतलब क्या होता है, यहां पर इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टेटिक, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चार्ज करंट की हेल्प से प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट मतलब इकट्ठा कर लो, प्रेसिपिटेट और सेटल डाउन दी पार्टिक्यूलेट मैटर, ठीक है। इसका कुछ नहीं, बहुत सिंपल फंडा होता है, जैसे ये आपका कैथोड लगा हुआ है, ये आपका एनोड लगा हुआ है, ठीक है, कैथोड एनोड। अब यहां पर क्या है, फाउल एयर। अब यहां से आपको क्लीन एयर निकालनी, कैसे निकालोगे, देखो जो कैथोड है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी क्या है, इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी क्या निकल रहा है, आपका डस्ट निकल रहा है। अब ये क्या करेगा, जैसे ये डस्ट पार्टिकल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हर डस्ट पार्टिकल को क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, हर डस्ट पार्टिकल को क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। तो यहां से जो गैस निकलेगी वो क्या निकलेगी स्टूडेंट्स, क्लीन एयर, ठीक है। अब देखो ये, अब देखो यहां पर देखो कितनी क्लीन एयर निकल रही है, कोई दिख रही है प्रॉब्लम, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर है, इलेक्ट्रॉन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहा है, जिससे कि जो भी, भाई देखो गैस तो निकलेगी, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट का कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट तो मिल गया है, लेकिन अगर उनका कोई गैशियस बाई प्रोडक्ट है तो उनको बाहर निकालना है, पर हम ये चाहते हैं कि गैस फ्री फ्रॉम अनवांटेड पार्टिकल्स, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो, वाहिक्यूलर पॉल्यूशन को कैसे कवर करना है, अगर हम लोग इंडिया में कंसिडर करें तो दिल्ली कम्स फोर्थ, दिल्ली में बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन है क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन भी उतनी है। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डीजल यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं और सीएनजी यूज करते हैं, बार बार डालते जाते हैं। अब डीजल और पेट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है, लेड है, ठीक है। तो लेड क्या होता जाता है, बर्न होता जाता है, होता जाता है, गाड़ी चलती है इंजन में जो लेड होता है बर्न होता जाता है डीजल और पेट्रोल का, और बहुत सारी अनवांटेड गैसेस पीछे से छोड़ देता है। तो अगर हम लेड फ्री पेट्रोल या लेड फ्री डीजल बना लें, या लेड के कंटेंट को कम कर दें, या फिर हम लोग सीएनजी यूज कर लें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस विच इज टोटली एब्सेंट ऑफ लेड,
तो हमारा काम भी बन जाएगा, ऑटोमोबाइल्स भी चल जाएंगे और एटमोस्फेयर फ्री भी रहेगा गैसेस से। ठीक है, अब देखो सीएनजी यूज करने का मतलब क्या है, ये बहुत चीपर है, बर्न्स मोर इफेक्टिवली, ठीक है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये न्यू फ्यूल पॉलिसी है कि या तो आप पेट्रोल यूज कर रहे हो तो लेड फ्री करो, डीजल यूज कर रहे हो तो लेड फ्री करो, और अगर नहीं कर सकते तो आप सीएनजी को यूज करो। अब देखो ये देखो इसका कंटेंट देखो, डीजल में जो मतलब अब क्या है पॉलिसी निकाली कि चलो आपको क्या थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा अपनी गवर्नमेंट को सचेत करोगे, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालोगे, सो यू कैन कंट्रोल एयर पोल्यूशन एटलीस्ट बाय ऑटोमोबाइल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है, एंड तक मेरे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, मैंने अगेन बता दिया 1 and 2 year सब्सक्रिप्शन आर बेस्ट। न्यू फ्यूल पॉलिसी के हिसाब से अगर आप डीजल को डालवाते हो तो सल्फर का कंटेंट 350 पार्ट पर मिलियन से कम होना चाहिए, अगर पेट्रोल को डलवाते हो तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप डिवाइसेस में क्या करो, कैटालाइटिक कन्वर्टर, व्हीकल इमिशन कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, अब ये क्या करेगा कैटालाइटिक कन्वर्टर, कैटालाइज करना मतलब एंजाइमेटिक, क्या क्या करेगा, एंजाइमेटिक मतलब खुद चेंज नहीं होगा लेकिन मोर हार्मफुल को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देगा। आप पैलेडियम यूज कर सकते हो, प्लैटिनम यूज कर सकते हो, रोडियम यूज कर सकते हो। ठीक है, और क्या करोगे, कन्वर्ट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इनटू CO2 एंड वाटर, दे आर नॉट हार्मफुल। गेटिंग माय पॉइंट, अब देखो अब दूसरा आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मतलब डिग्रेडेशन, सबसे ज्यादा इफेक्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे क्योंकि उनका जो मेन रेजिडेंस है वो क्या है, वाटर है। बाय एडिशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन सी दिस सिचुएशन, पानी कितना कम नजर आ रहा है और गंदगी कितनी ज्यादा है। ठीक है, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल। देखो बायोलॉजिकल मतलब ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद आपने कोई केमिकल डीडीटी डाल दिया, फिजिकल गरम गरम ऑयल पानी में डाल दिया, जैसे ही आपने गरम गरम ऑयल पानी में डाल दिया बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स तो उस हैवी टेम्परेचर से मर गए, जो ऑक्सीजन डिजोल्व था उसका कंटेंट बहुत हद तक घट गया, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, डेफिनेटली परेशान होंगे। ठीक है, उसके बाद सॉइल इरोड हुई, पानी में चली गई, डोमेस्टिक वेस्ट जो भी केले का छिलका आया डाल दिया, कपड़े उसमें धो रहे हैं, जानवर उसमें नहला रहे हैं। ठीक है, रन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, अगेन दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक, कोई फॉरेन स्पीशीज फिश आ गई है, वो नॉर्मल इंडियन स्पीशीज फिश को खा गई, तो आपका तो जो फूड चेन है वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रॉय फूड चेन, एनहेंस द फूड इको, वी कैन से कंप्लीट एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखो सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये देखो कितनी गंदगी है, ये क्या है, ये देखो, ये कुछ भी, आप हर एक पिक्चर को ध्यान से देखो, ये ऑयल को छोड़ रखा है। ठीक है, मैं रेड से दिखा दूं इसमें आपको नजर नहीं आएगा, ये क्या है, ऑयल छोड़ रखा है, ऑयल सीधे पानी में आ रहा है, क्या सिचुएशन रहेगी इस वाटर की, ये इंडस्ट्रीज का वेस्ट, सी द यू आर डिट्रियोटिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और अब देखो स्टॉप किलिंग द प्लैनेट विद वाटर बॉटल्स बिकॉज दे आर नॉन बायो डिग्रेडेबल, दीज आर नॉन बायो डिग्रेडेबल। उसके बाद इसके अफेक्ट क्या है, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म डिस्ट्रॉय, डेथ है, अगर हम पानी पी लेंगे तो स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, अदर एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे डाइजेशन है, कहीं ना कहीं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इफेक्ट होगा, होल इकोसिस्टम,
एल्गल ब्लूम, यूट्रोफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. अब देखो, ये देखो प्रॉब्लम्स, डिजीजेस, डिजीजेस वॉटर बॉर्न. डिजीजेस क्या है स्टूडेंट्स? वॉटर बॉर्न है. आप खुद देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है. डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफॉइड, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, किडनी डैमेज, नर्व डिसऑर्डर, स्किन लिजेंस. ठीक है, किडनी डिसऑर्डर मतलब आप कंटेमिनेट पानी ले रहे हो, कंटेमिनेट पानी किडनी के नेफ्रॉन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है और किडनी की जो फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. ठीक है, अब एल्गल ब्लूम क्या होता है? एल्गल ब्लूम मतलब टू मच ग्रोथ ऑफ एल्गी. ठीक है, अब ग्रीन एल्गी भी हो सकती है, रेड एल्गी भी हो सकती है, ब्राउन एल्गी भी हो सकती है. ठीक है, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, मेनली रेड और ये ग्रीन एल्गी मतलब होती है ग्रीन एल्गी. ठीक है, अब देखो क्या है कि ये वॉटर सरफेस है, इसके ऊपर एल्गी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंकटन, पर इनका नंबर क्या होता है, कंट्रोल होता है. ठीक है, पतली सी लेयर ऐसी काई की आपको ग्रीन 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 नजर आएगी. देखो ये, देखो ये एल्गी, ये ग्रीन एल्गी. यहां पर आपको कहीं पर भी पानी नजर आ रहा है कि मेरे को नीला पानी नजर आ रहा है? नहीं, पूरी एल्गी टॉप सरफेस को घेर कर बैठ गई है. पानी के टॉप सरफेस पर एल्गी ने अनलिमिटेड रिप्रोडक्शन कर लिया है, अनलिमिटेड ग्रोथ कर ली है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स हैं. ठीक है, सेल डिवीजन से ही ग्रोथ होती है और सेल डिवीजन से ही रिप्रोडक्शन होता है. गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पर क्या कह रहे हैं, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी. अब एल्गी में क्या होती है, देखो हमें ये पता है कि उनके पिगमेंटेशन से हम उनको रेड एल्गी कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं एंड ब्लू एल्गी कहते हैं. तो यहां पर ग्रीन ही ग्रीन एल्गी हो रही है, तो ग्रीन कलर इंपार्ट करिए. ऐसा लग रहा है पानी का कलर ग्रीन हो गया है, ग्रीन टाइड आ गई है. ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द वॉटर सरफेस, जिस भी कलर की एल्गी की ओवर ग्रोथ होगी पानी के ऊपर, वैसा का वैसा ही पानी आपको नजर आएगा. ठीक है, तो रेड एल्गी जो डाइनोफ्लेजिलेट्स की कैटेगरी में आती हैं, उन्हें रेड टाइड कहते हैं. अब देखो क्या है, खुद देखो, ये देखो रेड टाइड है, रेड टाइड. देखो एल्गी को ग्रो करने के लिए, एल्गी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ठीक है, खाना चाहिए. अब वो खाना भरपूर मात्रा में ह्यूमंस ने पानी में छोड़ दिया, केले का छिलका खाया फेंक दिया, कोई भी सीवेज है गटर से फेंक दिया, कोई एग्रीकल्चर वेस्ट आया वो पानी में चला गया, इंडस्ट्री से एमिशन आया वो पानी में चला गया. तो एल्गी को तो भरपूर ऑर्गेनिक मैटर मिल गया, ऑर्गेनिक मैटर मिल गया. और अगर वो ऑर्गेनिक मैटर रिच इन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स है, तो एल्गी के लिए तो सोने पे सुहागा हो गया. एल्गी को बहुत सारा खाना मिल गया, एल्गी ने खाना खाया, ग्रो किया, रिप्रोड्यूस किया, ग्रो किया, रिप्रोड्यूस किया. अब पूरी पानी की सतह एल्गी से कवर अप हो गई है. जो सनलाइट आती एल्गी ले लेती, जो सनलाइट आती एल्गी ले लेती. ठीक है, एल्गी कैप्चर ऑल द सनलाइट. अब सनलाइट सिर्फ ऊपर ऊपर को मिल रही है, डीप को नहीं मिल रही है, डीप नीचे जो ऑर्गेनिज्म से उनको नहीं मिल रही है. सनलाइट नहीं मिल रही है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, सनलाइट नहीं मिल रही है, पूरा का पूरा ऑक्सीजन एल्गी ले रही है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा बोलते हैं कि डिक्रीज हो गई है. तो धीरे 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 क्या है, ऑर्गेनिज्म मरते जा रहे हैं. ठीक है, अब डिजॉल्व ऑक्सीजन घट गया, डिस्ट्रॉय फूड चेन, एनहेंस पूरा उस एरिया का इकोसिस्टम चेंज हो जाए. अगर वो पॉन्ड है तो पॉन्ड इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय, लेक है तो लेक इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय, रिवर है तो रिवर इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय. तो आपको कोई भी सामान पानी में नहीं फेंकना है, आप उसका मैनेजमेंट करिए, उसको कहीं पे भी फेंकिए.
क्योंकि एल्गी रहना जरूरी है, लेकिन एक मतलब बोलते ना नॉर्मल अमाउंट में। अगर आप उन्हें बहुत ज्यादा खाना देंगे तो वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर देंगे, और उनकी अनलिमिटेड ग्रोथ उनके खुद के इकोसिस्टम के लिए क्या है, नुकसानदायक है। ठीक है, अब आपने बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन मतलब किसी भी चीज का बढ़ोतरी, जैसे बोलते ना कि एक मैग्निफाइंग ग्लास को यूज करते हैं चीजों को इनलार्ज करने के लिए, तो हम कोई भी एक ऐसा केमिकल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाल दिया और वही का वही धीरे 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 आगे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी जाता जा रहा है और उनका कॉन्सेंट्रेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मतलब बायो कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर नॉन बायोडिग्रेडेबल पर फोकस करेंगे, किस पे फोकस करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल पर। जब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो कि डीकम्पोजर से नॉट डिग्रेडेड बाय डीकम्पोजर्स, तो ये क्या रहते हैं, एज इट इज इंटैक्ट रहते हैं एटमॉस्फेयर में, ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक चेंज नहीं हो पाते हैं। इज इट क्लियर? सो कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन इफेक्ट्स फूड चेन। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अगर पानी में एड हो गया है, जैसे आपने कहा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है डीडीटी, ठीक है, उसका अमाउंट पानी में इतना था, फिर डीडीटी को जूप्लैंकटन ने खा लिया, स्मॉल स्मॉल यूनिसेल्यूलर एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट, तो कंसेंट्रेशन बढ़ गया, फिर जूप्लैंकटन को स्मॉल फिश ने खाया, तो जो डीडीटी जूप्लैंकटन में गया था वही का वही अमाउंट डीडीटी स्मॉल फिश में चला गया, क्योंकि बॉडी के इंजाइम्स उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, एज सच कोई डीकम्पोजर भी डिग्रेड नहीं कर सकते। तो ये देखो ये अमाउंट क्या है, इंक्रीज हो गया है। गेटिंग माय पॉइंट? अब बिग फिश में और ज्यादा हो गया है। अगर हम लोग इसको ह्यूमंस इसको ईट करेंगे तो डीडीटी ह्यूमंस में आएगा, अगर डीडीटी ह्यूमंस में आएगा तो हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, बोलते ना कि फूड पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, सो डीडीटी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस एज वी गो हायर ट्रॉफिक लेवल, जैसे पहले जूप्लैंकटन में आया, फिर दूसरे में आया, फिर तीसरे में आया, तो इस तरीके से पूरे इकोसिस्टम को क्या कर देगा, पॉइजन दे देगा। ये स्लो पॉइजन है, बहुत धीरे 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 जाता है, और जितने हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे अमाउंट उतना बढ़ता जाएगा और डिस्ट्रक्शन करेगा। यहां पर ब्लूम कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल पोल्यूटेंट यहां देखो ये लो है, फिर क्या हुआ, इंक्रीज, मोर इंक्रीज, टू मच, ये लेवल देखो कैसे बढ़ता ही जा रहा है। अब ये क्या है, हम लोग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने एल्गल ब्लूम देखा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देखा, एंड यूट्रोफिकेशन देखा। यूट्रोफिकेशन का मतलब है नेचुरल एजिंग प्रोसेस ऑफ अ लेक, मतलब पहले लेक का पानी का लेवल इतना था पर धीरे धीरे इतना हो गया। ठीक है, ये क्या है, शेलोनेस, मतलब लेक की जो गहराई थी वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब देखो नेचुरल यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो जैसे एक लेक बनी हुई है, अब लेक क्या है, एक तरीके का एक्वेटिक इकोसिस्टम है, लेक क्या है, एक तरीके का एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वही बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन है। तो यहां पर अगर हम नेचुरल यूट्रोफिकेशन के बारे में बात करते हैं, नेचुरल यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है कि पानी है, कोई वाटर बॉडी में पानी है, आप उसमें न्यूट्रिएंट डाल रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, मिट्टी डाल दी, केले का छिलका आया डाल दिया, जानवरों को नहला दिया, तो धीरे 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 एक तरीके से आपने क्या किया, लेक का फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दिया, वो पहले जैसी दिखती थी अब वैसी नहीं दिख रही है। गेटिंग माय पॉइंट? कुछ भी आप इसमें ऐड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, लेसर वाटर कंटेंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेसर वाटर कंटेंट हो रहा है, जो पानी का अमाउंट है
वो गहरा अब नहीं रहा। तो जब लेक की गहराई धीरे धीरे कम होती जाएगी तो हम उसे नेचुरल एजिंग प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, मतलब लेस डीपर, कम गहरा, मैंने अभी बताया कम गहरा। तो लेक अगर शैलो हो रही है, कम गहरी है, लेस डीपर है, दैट मींस उस लेक के अंदर नेचर की अच्छी चीजें कम है और ह्यूमन एक्टिविटीज की बैड चीजें ज्यादा एडेड है। तो जो लेक, मतलब मान लो बहुत गहरी है, अच्छा खासा उसमें खूब सारा पानी है, खूब सारा वो इकोसिस्टम एक्वायर करके बैठी है, खूब सारा जू प्लैंकटन है, स्मॉल फिश है, बिग फिश है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? हायर होगी। डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? हायर होगी। और जो नई लेक है उनकी क्या होगी? डेफिनेटली कम होगी। ठीक है, अब देखो यंग लेक्स अभी जस्ट बनी ही हैं, तो आपने लेस प्लांट लेसर प्रोडक्टिविटी, ओल्ड एज लेक मोर प्लांट मोर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब क्या है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब प्लांट्स आए, उन्होंने खुद खाना बनाया, खुद यूज किया, दूसरों को भी दे दिया। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ बायोमास मतलब फूड, ऑर्गेनिक मैटर, दैट मींस नेचुरल यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहले लेक बनी, वो यंग लेक थी, ठीक है, उसमें कम पानी था तो कम प्रोडक्टिविटी थी, फिर धीरे धीरे लेक क्या हो गई, मतलब नेचुरल में क्या है, वो धीरे धीरे नेचुरल, जैसे हम लोग जब बोल रहे हैं कि हम नेचुरल एजिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बूढ़े हो रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना लाइफ स्पेन भी निकाल रहे हैं, हम लोग मजे भी कर रहे हैं और धीरे धीरे हम बूढ़े हो रहे हैं। अगर हम समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, दैट मीन्स हमारी बॉडी में हम कुछ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमें चीजें समझ में कम आ रही हैं, हम अनवांटेड चीजें ज्यादा ले रहे हैं। तो यहां पर अगर लेक कम गहरी हो रही है, धीरे धीरे उसका पानी खत्म हो रहा है, तो वो नेचुरल चीजों से हो रहा है, उसमें नो ह्यूमन एक्टिविटीज, नो ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे लेक गहरी कम हो रही है, लेकिन आराम से, स्लो प्रोसीजर। अब हमने एक्सेलरेटेड कर दिया, मतलब फास्टन कर दिया, हम कह रहे हैं लेक जल्दी बूढ़ी हो रही है, जल्दी उसका पानी खत्म हो रहा है, उसकी जो गहराई थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, पर बहुत जल्दी, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड करने का ये मतलब होता है कि हम ह्यूमन एक्टिविटीज को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वही मेजर कॉज पोल्यूशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, वही डोमेस्टिक वेस्ट, गेटिंग माय पॉइंट? अब बहुत ज्यादा फॉस्फेट आ गया, नाइट्रेट आ गया, अगेन एल्गी ग्रो कर गई। अब बहुत ज्यादा एल्गी ग्रो कर रही, तो अति को यार अगर एल्गी ग्रो करेगी तो नीचे का एक्वेटिक इकोसिस्टम को क्या करेगी? दिन ब दिन डिस्ट्रॉय करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो यूट्रोफिकेशन अगर लेक का कंसिडर करें तो एक तरीके से वो उसका एक स्टेप माना जाता है, उसका एक हम कह सकते हैं कि मतलब ट्रॉफिक, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे में प्रोड्यूसर एक ट्रॉफिक लेवल है, कंज्यूमर एक ट्रॉफिक लेवल है, तो यहां पर भी ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ओलिगोट्रॉफिक में क्या है, लिटिल सेडिमेंट मिनिमम प्रोडक्टिविटी डी, कहने का ये मतलब है ऐसी है, ये सेडिमेंट है, लेक क्या है डीपर, अच्छी खासी गहरी है, उसके बाद मोर सेडिमेंट मैक्सिमम सेडिमेंट, मतलब ये यूट्रोफिक में ये, वेरी लेस डीप, गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप ओलिगोट्रॉफिक को 100 ईयर्स छोड़ दो तो वो मीजोट्रॉफिक हो जाएगी, मीजोट्रॉफिक को 1000 ईयर्स छोड़ दो तो वो यूट्रोफाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सडन इंक्रीमेंट इन न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट कॉज ग्रोथ ऑफ एल्गी, लैक ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये मैंने बता दिया। अब देखो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस देखो, फर्टिलाइजर छोड़ दो,
एल्गी ग्रो कर जाएगी, ठीक है। एल्गी के बाद फिश सोफेस्टिकेट हो गई, ब्लॉक्ड सनलाइट, धीरे धीरे शेलोनेस, ठीक है। अब इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हो, वही इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकला है वो पानी में मत जाने दो, ठीक है। प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, शेलो पॉन्ड्स प्रिफर्ड ओवर बिग वंस फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। आपको दिख रहा है कि लेक गहरी है, आप उस पर डालो ही मत। अगर बाजू में लेक ऑलरेडी एज कर चुकी है, चाहे वो आपकी वजह से करी हो एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन, या वो ऑलरेडी नेचर की वजह से हो चुकी, तो उसको ढूंढ लो ना, वो ऑलरेडी एज की तरफ जा रही, तो उसको प्रॉपर एजिंग कर लो, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोगों को सीवेज ट्रीटमेंट करना है, सीवेज मतलब ओवरऑल वेस्ट जिसका मल्टीपल सोर्सेज है, ओवरऑल वेस्ट विथ मल्टीपल सोर्सेस, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, फूड रेजिड्यू, डिटर्जेंट, पैथोजन एंड सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज। अब देखो, सीवेज मतलब वेस्ट, इस वेस्ट का अगर मैं कॉम्पोजिशन देखूं तो उसमें 99% वाटर है और 1% इंप्यूरिटीज है। अब मैं चाहती हूं कि ये ओवरऑल, जैसे मैंने घर से इकट्ठा किया, इंडस्ट्री से इकट्ठा किया, सब जगह से इकट्ठा किया, और बहुत सारा वेस्ट क्या हो गया, स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गया। अब मैं तो, अगर मुझे गंदा करना है, मैं डाल देती हूँ लैंड में, मैं डाल देती हूँ पानी में, या मैं जलाकर एयर पोल्यूशन क्रिएट कर देती हूँ। अगर मैं इस सीवेज को ट्रीटमेंट करूं, मतलब मेकिंग इट लेस हार्मफुल, इतना लेस हार्मफुल कर दो कि उसके बाद में उसे एटमॉस्फेयर में चाहूं तो रिलीज कर सकती, ठीक है, मेकिंग इट लेस हार्मफुल। अब देखो, इसके लिए एक प्लांट बना है जिसको बोलते हैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन भी आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन भी आया है। आप क्या करो, सीवेज को ट्रीट करो, आप क्या करो, सीवेज को ट्रीट करो, पहले उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दो, देन उसके बाद उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट दो। पहले क्या दो उसको, प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन उसको क्या दो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में, अब देखो, जब मैंने बताया कि इसमें वाटर भी है, इंप्यूरिटीज भी है, तो हमें पता है कि अगर हम चाय को छानेंगे तो पत्ती क्या हो जाएगी, ऊपर रह जाएगी। मैं उसे अगर बायोमोलिक्यूल के डेफिनेशन में कहूं तो रिटेंटेंट, और जो चाय बनके आएगी वो क्या हो जाएगी, फिल्टरेट। तो मैंने क्या किया, चाय को छाना, मतलब जो भी चीजें बन गई थी, मान लो वो सीवेज है, उसको छाना, जब जाके मुझे चीजें मिली है, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले फिल्ट्रेशन मतलब छान दो, एंड देन सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब क्या है, जो बड़े भारी पार्टिकल से उनको नीचे बिठा दो और हल्के छोटे पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे। तो आपने एक तरीके से क्या किया, इंप्यूरिटीज को सेग्रीगेट कर दिया। अब आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे बैठी वाली भारी है, ऊपर बैठी वाली हल्की है। अब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन्हें हटा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूव्स फ्लोटिंग एंड लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड। जैसे ये, ठीक है, ये एक छलनी है, ये इसमें छेद है, तो आपने जब इसको छाना तो बड़े बड़े पार्टिकल्स क्या हो गए, ऊपर रह गए, ठीक है, और इसमें क्या हो गया, पानी आ गया। मतलब जो सीवेज में वॉटर था वो तो छनकर आ गया एज अ फिल्ट्रेट, ठीक है, और इंप्यूरिटीज क्या रह गई, उसमें भी सॉलिड, मोटी, बड़ी, लार्ज साइज इंप्यूरिटीज क्या हो गई, ऊपर रह गए रिटेंटेंट। तो ये जो लेफ्ट ओवर है वो क्या है, फिल्ट्रेट है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसी फिल्ट्रेट को और यूज करो, इसको और यूज करो सेडिमेंटेशन। इसमें आप क्या करोगे, हेयर स्मॉल पेबल्स एंड अदर हैवी पार्टिकल सेटल डाउन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंट इंक्लूड प्राइमरी स्लज। आपने क्या किया, ये था, इसको दोबारा छान लिया, इसको क्या किया, दोबारा छान लिया, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, छानो सेडिमेंट करो, छानो सेडिमेंट करो, ठीक है। तो क्या हुआ,
ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ये फिर से सेपरेट हो गए, ठीक है, पानी यहां आ गया, फिर दोबारा ऐसा कर दो। तो आप क्या कर रहे हो, छानते भी जा रहे हो और जो इम्प्यूरिटीज हैं, मतलब पानी तो आप ले रहे हो, ठीक है, लेकिन उस पानी के अंदर जो इम्प्यूरिटीज हैं, जो पेबल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, सेडिमेंटेशन से अलग करते जा रहे हो, मतलब फिल्ट्रेशन। तो एक तरीके से वॉटर हो गया और सेडिमेंट्स इम्प्यूरिटीज, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट मिला लेस हार्मफुल वो क्या है, प्राइमरी स्लज। अब क्या है, फिर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहां पर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करोगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज करोगे बताओ, खुद बताओ। जो ये प्राइमरी स्लज बन गया है, ये जो प्राइमरी स्लज बन गया है, आप इस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे को एक्ट करा दो। मतलब जो प्राइमरी आपका स्लज बन गया है उसको छोड़ दो, ठीक है। उसको आपने क्या करा, एक बड़े से टैंक में डाल दिया। अब वो टैंक को घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, तो एयर की एंट्री हो रही है। धीरे 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 उस पर क्या हो जाएंगे, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाएंगे और जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, यूनिसेलुलर फंजाई है, बैक्टीरिया है, वो ग्रो हो जाएंगे और धीरे धीरे उस मैटर को क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे, पर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो क्रेडिट गोज टू एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद ये तब तक चलेगा जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड गिरेगी नहीं। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ब्रेक द ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे ये पर्टिकुलर एरिया में ऑर्गेनिक मटेरियल है तो इसको खाली करने के लिए ऑक्सीजन लगती जा रही है, लगती जा रही है और लगती जा रही है। गेटिंग माई पॉइंट, ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा हुआ है उसको डिग्रेड करना है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर आ रहे हैं, ऑक्सीजन की जरूरत होती जा रही है, 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 पर अभी भी इम्प्यूरिटीज हैं। भाई अगर प्राइमरी स्लज इतना अच्छा होता तो मैं उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्यों डालती, मैं तो प्राइमरी ट्रीटमेंट से ही बोलती कि डाल दो पानी में, डाल दो सॉइल में, डाल दो लैंड में या जला दो उसको, ठीक है। तो उसको तब तक डिग्रेड करना है, उसको डिग्रेड करते जाना है, करते जाना है, करते जा तक वो खत्म नहीं हो जाए। तो जब वो खत्म हो जाएगा तब एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अब क्या हो गया है, लेस हार्मफुल, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, आप इसको एफ्लुएंट पे पास कराओगे, क्योंकि क्या है, देखो अभी जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में है वो किससे एसोसिएटेड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड है। तो अब आप क्या करोगे कि अच्छे वाले बॉड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग करवा दो, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट, और जो एक्टिवेटेड स्लज आएगा वेरी लेस हार्मफुल, ठीक है। अब लैंड और सॉइल पोल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ लैंड, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय करना, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ प्लांट सब डिक्रीज, टू टाइप्स का होगा। नेगेटिव लैंड पोल्यूशन, नेगेटिव लैंड पोल्यूशन मतलब सॉइल थी, फर्टाइल सॉइल थी, इरोड हो गई, इधर उधर चली गई, ठीक है। पॉजिटिव लैंड पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉइल है वो इरोड नहीं हुई है, अपनी पोजीशन पर है, कहीं नहीं गई है, लेकिन वहीं वहीं आपने अनडिजायरेबल सब्सटेंस लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल के, एग्रोकेमिकल डाल के उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। हेयर नो सॉइल इरोजन, मतलब लैंड ऐसे तो पॉजिटिव है, अगर आप चाहो तो वहां पर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस न डालकर उसको क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लैंड में सॉलिड वेस्ट डाल दिए, एग्रोकेमिकल डाल दिए, रेडियो एक्टिव वेस्ट डाल दिए, मेनली ये क्या है, इंसेक्टिसाइड्स हो जाएंगे, ठीक है।
ये देखो ये क्या सिचुएशन हो गई है, पूरा गंदगी गंदगी, पूरा लैंड इस पूरे सॉलिड वेस्ट से कवर है। सॉलिड वेस्ट कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, पेपर हो सकता है, कोई रबर हो सकता है, कैंची हो गई, पेन हो गई, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया है, विच इज एक्चुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल फिर भी लेस हार्मफुल है, पर बायोडिग्रेडेबल का मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर वहां पर डिकम्पोजर्स आएंगे तो फाउल स्मेल क्रिएट होगी, क्योंकि वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो डिस्कार्डेड और लेफ्ट ओवर सॉलिड मटेरियल जिसको गार्बेज कहोगे, डोमेस्टिक में फूड हो गया, मिल्क पैचेस, रॉटन पल्सेस, ठीक है, वेजिटेबल फ्रूट पील्स, इंडस्ट्रीज में ऐश हो गया, कोल, पेपर, रबर, हॉस्पिटल का वेस्ट हो गया, ऑफिस का वेस्ट हो गया, ठीक है, पेन, रबर, ठीक है, कुछ भी मान लो, शॉप्स का हो गया, जूता खराब हो गया फेंक दिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, गेटिंग माय पॉइंट। तो ओवरऑल जो सॉलिड वेस्ट हैं वो दो तरीके के हैं, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें डिग्रेड कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें तोड़ सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब नहीं तोड़ सकते। कैन बी कन्वर्टेड, कैन नॉट बी कन्वर्टेड, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नो सच रोल। ठीक है, यहां पर पेपर, काउडंग, ह्यूमन एक्सक्रीटा, मतलब एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल होने का ये मतलब है कि हैविंग ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए उसके अंदर, हैविंग ऑर्गेनिक मैटर, कुछ ऐसा होना चाहिए जो कॉम्प्लेक्स हो और उसको तोड़कर सिंपलर में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, वेरी लेस टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक बट स्टिल रिक्वायर मैनेजमेंट, बट स्टिल रिक्वायर मैनेजमेंट एज क्रिएट फाउल स्मेल। ठीक है, एग्रोकेमिकल्स, केमिकल्स यूज इन एग्रीकल्चर लाइक पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये प्लांट की क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं, क्वांटिटी को भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजर्स मतलब न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलिटी। देखो यहां पर पेस्टिसाइड्स का डायरेक्टली मतलब है हर्बिसाइड्स, जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट जो खराब कर देते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स आ गए, पत्तियों को खा गए, पूरा क्लोरोफिल नष्ट कर दिया, कहां से क्रॉप यील्ड होगी, तो उन चीजों को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स। ठीक है, ये ओवरऑल क्या है, इंसेक्ट्स। फर्टिलाइजर्स जैसे नेचुरल एनपीके डाल दो, कैल्शियम डाल दो, मैग्नीशियम डाल दो, मैंगनीज, सॉइल से ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं या आपको जल्दी जल्दी पैदावार चाहिए तो आपने डाल दिया। ठीक है, देखो शुड बी गिवन इन प्रॉपर डोजेस, ओवर डोजेस दोगे तो सॉइल को भी प्रॉब्लम होगी, प्लांट को भी प्रॉब्लम होगी और इकोसिस्टम को भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब वेस्ट कंटेनिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो निकलते हैं, साइट भी अच्छी नहीं है, फाउल स्मेल, टॉक्सिसिटी। ठीक है, अब देखो सॉइल पॉल्यूशन माइनिंग से हो सकता है, इरोड हो गई, एग्रीकल्चर, जैसे यहां आपने नो फेंसिंग, हाउस होल्ड वेस्ट डाल रखा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिग्रेड ही नहीं हो रहा है, पड़ा हुआ है, उसमें केमिकल्स खराब हो रहे हैं, प्लास्टिक को डाल दिया आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम लोग इन लोगों की मतलब चीजों को लें तो देखो जैसे एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी का स्पॉइलेज, उसका पीएच और एंजाइमेटिक एक्टिविटी चेंज कर देंगे। देखो ये क्या है, मैं क्यों आपको थोड़ा सा फास्ट ले रही हूं चैप्टर, क्योंकि चैप्टर सच में बहुत आसान है, लेकिन वन शॉट में लेना है तो चीजें छूटनी भी नहीं चाहिए, फिर आप लोगों को ये भी नाराजगी हो जाती है कि मैम इतना क्यों छुड़वा दिया, तो मैंने पूरा लिख दिया है आप लोगों के सामने, मैं मेन पॉइंट कर रही हूं, मैं समझा भी रही हूं, ये नहीं कि मैं रीडिंग मार रही हूं, तो आप लोगों को मेरे साथ अभी एंड तक रहना है क्योंकि चैप्टर बाकी और जाना नहीं है। ठीक है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है। अब देखो कॉज, एक्सेस कॉज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। अब पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड को आपने सॉइल में डाला, एक्सेस खराब हो जाएगा, बरसात आई वो पानी से वाटर बॉडीज में चला गया, खराब हो जाएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट,
नोजिया वॉमिटिंग रिस्क ऑफ कैंसर डीएनए म्यूटेशन। हिरोशिमा और नागासाकी का सुना है, हिरोशिमा एंड नागासाकी का, हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजन हुआ था उसमें डीएनए इतना म्यूटेट हो गया स्टूडेंट्स कि उनकी जेनरेशन आज भी प्रॉब्लमेटिक हो रही है। किसी के पैर खराब हो रहे हैं, किसी की आंखें ब्लाइंड हो रही हैं, क्योंकि जीन जो प्रॉपर कोड करता है ना वो जीन ही नष्ट हो चुका है, तो बॉडी को जो समझ में आता है प्रोटीन वो उसको कोड कर देता है। ठीक है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कॉम्पोस्टिंग से, ठीक है, ओपन स्पेस में जलाओ फार अवे, गड्ढा खोदो फार अवे, ठीक है, बाहर गड्ढा खोदो उसमें डालो, गड्ढे को बंद कर दो, ठीक है, या फिर आप 3 R's ले सकते हो, रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस जनरेशन ऑफ वेस्ट, रिड्यूस द आर्टिकल अगेन, रिसाइकिल द वेस्ट। ठीक है, रिड्यूस का मतलब क्या है, जैसे आप 3 कारें चलाते हो, आप 3 में से एक ही कार चलाओ, पास में जाना है पैदल चले जाओ। रियूज मतलब जैसे आप कोई कपड़ा यूज कर रहे हो उसको फेंको मत, उसको दोबारा डिजाइन करके यूज कर लो। रिसाइकिल मतलब कोई पेपर फेंक रहे हो उसको यूज करके कोई और चीज बना लो। ठीक है, रिड्यूस एक्सेसिव यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर, इसकी जगह नेचुरल कॉम्पोस्ट मैन्योर करो, उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर है। मैक्सिमम मैन्योर यूसेज, कंट्रोल यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब आता है नॉइज पोल्यूशन। देखो, हमारे पास एक रेंज ऑफ हियरिंग है, रेंज ऑफ हियरिंग जिसको हम फिजिकली फील करते हैं। नॉइज क्या है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूं डिजायरेबल चीख चीख के बोलूं जोर जोर से, तो आप बोलोगे मैम मेरे तो कान फट रहे हैं, मेरा सर दुख रहा है, प्लीज धीरे बोलिए। सो कोई भी नॉइज जब आपकी ईयर ड्रम को अच्छी नहीं लगती है, जब आपको मेंटल इलनेस क्रिएट करती है, तो वो नॉइज नॉइज नहीं होती है, वो नॉइज अनडिजायरेबल हो जाती है। ठीक है, जब उसकी वैल्यू 80 डेसिबल या उससे ज्यादा हो तो आपको वो नॉइज कतई भी पसंद नहीं आएगी। ठीक है, ये देखो ये पूरा वो परेशान हो रहा है, इससे आवाज आ रही है, इससे एवरीथिंग भूपू बज रहा है, क्रैकर्स फूट रहे हैं, डीजे लाउड स्पीकर, लाउड डीजे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्स में मेजर करते हैं और ये रेंज होती है इसकी, क्वेश्चन आया है। ठीक है, और यूनिट क्या होती है, डेसीबल। इंडस्ट्रीज से आ रहा है, एग्रीकल्चर मशीन, डिफेंस इक्विपमेंट, एंटरटेनमेंट, डोमेस्टिक एजेंट, लाउड स्पीकर, क्रैकर्स, पटाखे, 1-2 फोड़े, 50-60 फोड़ते ही जा रहे हो, प्रॉब्लम होगी। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, क्रैकर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, जी स्टोन इंडस्ट्री में से आवाज आ रही है, ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में से आवाज आ रही है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम होगी। लाउड नॉइस कब होती है, जब 150 डेसिबल या उससे ज्यादा है, ईयर ड्रम परमानेंट लॉस्ट। आप मुझे बताओ अगर आपका ईयर ड्रम, ये जो सेंस ऑर्गन है, ये लॉस्ट हो जाएगा तो इन फ्यूचर आप कभी कोई साउंड सुन पाओगे, कोयल कू कू कर रही है, बर्ड्स चिरिप चिरिप कर रही हैं, इतनी प्यारी प्यारी आवाजें, आप एक दूसरे की बात नहीं समझ पाओगे, इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं जो ब्रेन का पार्ट है जो इस ऑडिबल चीज को परसेप्ट करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका वर्निकीज और ये जो वर्निकीज एरिया है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, वर्निकी एरिया से आप बोलना सीखते हो, अब आपको सुना ही नहीं दे रहा, मान लो मैं आपको कोई लैंग्वेज सिखा रही हूँ, लैंग्वेज सीखोगे, परसेप्ट करते हो, अपने आप बोलते हो ब्रोका स्पीच एरिया से, तो अगर सेंस ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वर्निकीज एरिया ब्रेन में डैमेज हो जाएगा। सामने वाला बोलेगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप उस घर की लैंग्वेज ही नहीं सीख पाओगे। विल यू फील कॉन्फिडेंट इन योर फ्यूचर लाइफ, ठीक है। एंजाइटी स्ट्रेंथ, देखो यहां पर क्या है, इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन में ऑडिटरी फटीक और डेफनेस, बहरा हो जाना। यहां पर क्या है, ओवरऑल हेल्थ गेट रूट, ओवरऑल हेल्थ गेट रूट। ठीक है, अब देखो और क्या क्या प्रॉब्लम है, हेडेक है, हार्ट प्रॉब्लम, इनसोमनिया, लैक ऑफ स्लीप,
ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, डैमेज टू लिवर एंड ब्रेन, ठीक है, तो डाइजेशन गया, ठीक है, लॉज होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर मशीन डिजाइन होनी चाहिए जो कम साउंड प्रोड्यूस करे, क्रैकर्स बर्न होने चाहिए पर ओकेशन पे भी, पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, नो हॉर्न ब्लोइंग एक्सेप्ट फॉर डेंजर। आप सड़कों पे जाते हॉर्न बजाते हो, क्यों बजा रहे हो, कॉमन सेंस की बात है, सामने वाला अपने आप हट जाएगा। लोग रेड लाइट पर भी हॉर्न बजाते हैं, सही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम लोग ग्रीन, देखो थोड़ा सा हम लोगों ने कहा है कि जैसे पूरे एरिया में आप ग्रीन प्लांट्स उगा दो, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, तो काफी हद तक नॉइज को क्या करेंगे वो लोग, कंट्रोल कर लेंगे शॉक एब्जॉर्बर, जिसको ग्रीन मफलर कहते हैं। पूरा ग्रीन कलर का मफलर ओढ़ लो, पूरे एरिया में आसपास क्या कर दो, ग्रीनरी कर दो, ठीक है। अब देखो, अब जो अदर प्रॉब्लम्स आती हैं वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो रहा है कि देखो मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूं कि एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं पर वो नॉर्मल कंसंट्रेशन में, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो गैसेस बहुत बढ़ गई हैं। अब बढ़ गई हैं तो जो अर्थ मतलब सन से जो रोशनी आ रही है, जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं, वो गैसेस उसको क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है, अंदर आई। जैसे ये मैं कह रही हूं कि ये सनरेज हैं, ये अंदर आई, ठीक है, ट्रैप्ड बाय गैसेस, ठीक है, जैसे CH4 हो गई, CO2 हो गई, ठीक है, और बहुत सारी क्या हो लेंगी, ट्रैप कर लेंगी, और जो रेडिएशन है वो लेसर होगा, ठीक है। जैसे सनरेज है, सनरेज अर्थ पर आती हैं, अर्थ की सरफेस पे आती हैं, तो बहुत सारी तो क्या हो जाती हैं, जैसे क्लाउड हो गया उससे री रेडिएट हो गई, अपर लेवल पे री रेडिएट हो गई, ठीक है, एटमॉस्फेयर तक पहुंचती ही नहीं है, काफी पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। अब होल ऑफ सनलाइट कैन नॉट रीच द अर्थ, ये तो सत्य वचन है, 1/4 क्लाउड्स बैक कर देते हैं, 1/4 एटमॉस्फेयर ले लेती हैं, ठीक है। अब ये जो रेडिएशंस कुछ कुछ क्या होती हैं, लैंड और वाटर बॉडीज एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसके बाद क्या है, लैंड ने एब्जॉर्ब किया, गर्म हो गया लैंड, वापस फेंक दिया, वाटर बॉडीज गर्म हुई, थोड़ा पानी इवेपोरेट हुआ, वाटर साइकिल चली, फिर बारिश आई, पानी री रेडिएट बैक हो गया, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो सन रेज हैं वो जब अर्थ पर पड़ रही हैं, अपना काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें अपना काम करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होना है तो वो किसके फॉर्म में होती हैं, इंफ्रारेड, किसकी फॉर्म में होती हैं, इंफ्रारेड, ठीक है। अब ये तो क्या है, नॉर्मल प्रोसीजर था कि भाई सनरेज आई, फिर आई उन्होंने अपना काम किया और इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये तो नॉर्मल सी बात थी। अब एबनॉर्मल क्यों बोला हमने, हमने बोला ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका क्या मतलब है, देखो गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर टेंड टू एब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। जब ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं थी तो गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कम था, वो एप्रोप्रिएट था, तो सनलाइट आती, अपना काम करती, थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब होती और मैक्सिमम इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में इमिट बैक हो जाती, मैक्सिमम शुड बी रिफ्लेक्टेड बैक, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर क्या है, मेंटेन रहता, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी। लेकिन अब क्या हो गया है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका क्या हो गया है, इंक्रीमेंट, ये बढ़ गई हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस को, सनलाइट को ट्रैप करके रखती हैं, करके रखती हैं, और बहुत ही मिनिमम पार्ट रिफ्लेक्ट आउट करती हैं,
तो ये ट्रैप कर लेती हैं, तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो दैट इज नॉट गुड। हर चीज एप्रोप्रिएट हो तो ही अच्छी लगती है, ठीक है। अब देखो ये सन से आया, ठीक है, ये मोर ग्रीन हाउस गैसेस, मोर ग्रीन हाउस गैसेस, मोर ट्रैपिंग ऑफ इंफ्रा रेड रेडिएशन। हम बोलते हैं कभी कभार हम लोग अपने रूम में बहुत सारी ट्यूबलाइट जलाते हैं गर्माहट, मम्मी बोलती बंद करो पर्दे लगाओ सनराइज को कम आने दो, लेट द टेम्परेचर टू गेट डाउन इन द रूम, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, नॉट गुड, गेटिंग माई पॉइंट। अब क्या है देखो, ये री रेडिएटेड हीट है इंफ्रारेड, जब ये नॉर्मल में है तो ये मोर है, ठीक है, अगर ये मोर है तो ये लेस है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड 60%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, बाय रेफ्रिजरेटर्स, नाइट्रस ऑक्साइड 6%, ठीक है, मीथेन 20%, CH4 गोबर गैस किससे बनती है, मिथेनोजन, जो कि दलदली मार्शी स्वैम्पी एरियाज में रहते हैं, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब कोई स्पीशीज है वो इतने टेम्परेचर में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाई तो उसकी प्रोजेनी तो मर जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा है पानी सूख रहा है, वाटर स्केयरसिटी, ठीक है, पत्तियां जल रही है, क्लोरोफिल खत्म हो रहा है, फूड प्रोडक्शन, और सबसे ज्यादा ग्लोब गर्म हो रहा है, ठीक है, चेंजेस इन सी लेवल, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका इफेक्ट्स क्या है, लेसर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, डिक्रीज इन स्पीशीज, गेटिंग माई पॉइंट, नो फूड। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो ज्यादा गर्म हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, अगेन वी आर क्रिएटिंग अ बिगेस्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, गेटिंग माई पॉइंट, इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, पेड़ों को काट देना, पेड़ कट जाएंगे तो लेस CO2 फिक्सेशन होगा, CO2 जो फिक्सेशन है वो काफी हद तक ग्रीन प्लांट्स करते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब देखो ये पहली कैसे अर्थ थी और अब ये ग्लोबल वार्मिंग, वार्म होता जा रहा है स्टूडेंट्स, अभी जरूर ग्लोबल वार्मिंग का रेट कम हो गया क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में वी आर नॉट मूविंग आउट, वी आर नॉट यूजिंग ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन, अगेन ओवर पॉपुलेशन रिजल्ट इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ज्यादा पेड़ उगाओ, मोर CO2 फिक्सेशन, फॉसिल फ्यूल कम आप लोग मतलब जलाओ उसको, CFCs का कम यूज करो क्योंकि CFCs क्या है, डायरेक्टली कॉजिंग ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। अब ओजोन क्या होती है, देखो ओजोन O3 है, ओजोन देखो ये यहां पर है, ये सनलाइट है, ये यहां से क्या आ रहा है, यूवी रेज आ रही है। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, देखो ओजोन क्या होती है, एक लेयर है, ओजोन इज O3 लेयर, ओजोन क्या है, O3 लेयर है। अब एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर से आप और हायर लेवल्स पे चले जाओ, समवेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर एज अ कंटिन्यूस लेयर इन
हायर लेवल्स ऑफ एटमोस्फेयर। ठीक है, अब ओजोन का काम क्या है? सन में देखो सन की रोशनी आ रही है, ठीक है, ये क्या है? ये यूवी रेज है, ये यूवी रेज है। अब ये यूवी रेज क्या है? हार्मफुल है, ठीक है, ये अर्थ है और ये ओजोन है, ठीक है। तो ये यूवी रेज O3 नहीं आने देंगी, इसको क्या कर देंगी? रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। मतलब अगर ओजोन रहेगा तो यूवी रेज अर्थ तक नहीं पहुंचेगी, अगर ओजोन डिस्ट्रॉय होने लगेगा तो यूवी रेज धीरे धीरे अर्थ पर आने लगेगी, एंड यूवी रेज बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, देखो, हैविंग डिस्ट्रक्टिव एक्शन यूवी रेज क्या करते हैं? डीएनए चेंज कर देगा, म्यूटेट, ठीक है, कैंसर प्रॉब्लम, ठीक है, फोटोसिंथेसिस डिक्रीमेंट। फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, ये जो ओजोन लेयर है ये पूरी एक परत की फॉर्म में प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको बोलते हैं ओजोन शील्ड या फिर ओजोन लेयर। इट इज हाईली प्रोटेक्टिव, हाईली प्रोटेक्टिव, ठीक है। ये कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस है, कोई मतलब हम इसको सूंघ नहीं सकते हैं, ठीक है, और हायर लेवल ऑफ एटमोस्फेयर पे, स्ट्रेटोस्फेयर पे होती है, ठीक है। देखो हमने कहा कि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में है तो अपना एक पूरा स्फेयर बना रही है, तो मैंने इसको क्या बोला? ओजोनोस्फेयर। ये डॉप्सन, इसकी जो थिकनेस है ये किसमें मेजर होती है? डॉप्सन यूनिट में। जितनी मोटी उतनी यूवी रेस को कम आने देगी, जितनी पतली उतनी यूवी रेस को ज्यादा आने देगी। ये यूवी रेस को क्या कर रही है? नहीं आने दे रही है। अब ये क्या है? ये पतली हो गई है, यहां से क्या हो गई है? ये बहुत पतली हो गई है, तो यूवी रेज आएंगी और अर्थ पर पेनिट्रेट कर जाएंगी, दुनिया भर के वो हार्म पहुंचाएंगी। इज इट क्लियर? अब देखो, टू मच डिक्रीज इन थिकनेस ओजोन होल। जैसे ये थिक थी, ठीक है, अभी क्या हो गई? पतली हो गई है, बहुत पतली हो गई है, इतनी पतली हो गई है कि ऐसा दिख रहा है ये क्या क्रिएट हो रहा है? होल। अब आप बोलोगे, मैम देखो हम आगे ये पढ़ रहे हैं कि किस वजह से हुआ, हार्मफुल इफेक्ट एंड देन कॉजेस। आप पूछोगे, मैम ऐसा क्या मैंने एटमोस्फेयर में डाला कि ये लेयर में होल हो गया, अब ये वैसी शील्ड नहीं रही, ये वैसी हाईली प्रोटेक्टिव नहीं रही, ये तो यूवी रेस आने दे रही अर्थ के अंदर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, ठीक है, ये भी कलरलेस ऑर्डरलेस इनर्ट गैसेस है। कलरलेस, कोई कलर नहीं है, कोई नीला पीला हरा कलर नहीं दिख रहा। ऑर्डरलेस, आप इसको सूंघ नहीं पाते हो। इनर्ट, ये एटमोस्फेयर में किसी और के साथ रिएक्टिव नहीं हो रही है, ठीक है, हम लोग रेफ्रिजरेटर रॉकेट से जो छोड़ते हैं ना उसमें है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि 1 chlorine molecule डिस्ट्रॉय 1 lakh molecules ऑफ ओजोन, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये ओजोन है, ठीक है, O3, O3, O3 and O3। अब क्लोरीन आया, ठीक है, डिस्ट्रॉय, ये पतली सी हो गई, ठीक है, यूवी आएगी अंदर चली जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट्स? अब अगर यूवी रेज अर्थ पे पेनिट्रेट कर गई, मतलब डेफिनेटली एयर पे भी पहुंचेगी, लैंड पे भी पहुंचेगी, वाटर पे भी पहुंचेगी, मेरे पास भी पहुंचेगी, क्या क्या करेगी? स्किन कैंसर, इनहिबिट फोटोसिंथेसिस, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एज लेस CO2 फिक्सेशन। ग्रीन प्लांट्स है ही नहीं, लेस CO2 फिक्सेशन, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, मोर ग्लोबल वार्मिंग। मतलब देखो, मिक्सचर में सब चीजें इंटर रिलेटेड है। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, इम्यून सिस्टम खत्म, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, धीरे धीरे कॉर्निया का इन्फ्लामेशन होता है और स्लो ब्लाइंडनेस होती है, बिल्कुल धीमा धीमा धुंधला सा नजर आने लग जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन।
देखो स्किन एलिमेंट्स, डिस्टर्बेंस इन प्लांट, डिस्ट्रक्शन ऑफ मरीन लाइफ, क्योंकि सन रेस पूरी पानी पे पड़ रही है, हाई इंटेंसिटी है इनकी, ठीक है। यूवी रेस की क्या है? यूवी रेस बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाली है। अगर हाई इंटेंसिटी वाली होंगी तो पानी को क्या कर देंगी, जल्दी इवापोरेट कर देंगी, पानी को जल्दी इवापोरेट कर देंगी, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बर्न कर सकती हैं, म्यूटेट कर सकती हैं, और कहीं ना कहीं फूड चेन, फूड जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको क्या कर देगी, बिगाड़ देगी। इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कंट्रोल करो, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम आती है डिफॉरेस्टेशन से, एक्सेसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। एक्सेसिव कटिंग मतलब 10 पेड़ है, 10 के 10 काट दिए आपने परमानेंट, उनकी जगह आपने कोई नया पेड़ नहीं उगाया। ओवर पॉपुलेशन है, जगह चाहिए रहने के लिए, ठीक है, टू क्रिएट रेजिडेंस, ठीक है, टू क्रिएट रेजिडेंस, टू क्रिएट इंडस्ट्रीज, पैसा कमाना है। इट इज गुड टू क्रिएट इंडस्ट्रीज, खुद का रहना, स्कूल कॉलेजेस, पर अगर आप 15 पेड़ काट रहे हो तो किसी एरिया में उनको उगा भी तो सकते हो, ठीक है। देखो डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, सब्सटेंसेस फार्मिंग, अफेक्ट क्या है, सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, नो प्रोड्यूसर्स, नो फूड चेन। प्रोड्यूसर ही नहीं होंगे तो कहां से कंज्यूमर उस पर एक्ट करेंगे, कहां से डीकंपोजर्स आएंगे। पेड़ सॉइल को पकड़ के रहते हैं रूट्स के थ्रू, तो सॉइल इरोजन, CO2 बढ़ जाएगा, वाटर साइकिल खराब, पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम खराब। अब आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो? अगर आप एक फॉरेस्ट, जैसे 10 trees कट ग्रो 50 trees, गेटिंग माई पॉइंट, मतलब रीफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। गवर्नमेंट को रूल्स निकालने चाहिए कि ऐसे कोई भी जाकर नहीं पेड़ काट सकता। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रखो, वर्कर्स रखो, आसपास फॉरेस्ट पे निगरानी रखो। चिपको मूवमेंट, ये मूवमेंट 1973 में गोपेश्वर एरिया, एक चमोली डिस्ट्रिक्ट, वहां पर था। वहां पर क्या हुआ, जैसे आप यहां पर देखो इसमें क्या लिखा है, देखो ये पेड़ को क्या है, पकड़ के बैठ गए, पेड़ को पकड़ लिया है, चिपक गए हैं कि मैं काटने नहीं दूंगा। ये भगवान है ना, एक्चुअली देयर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब बिश्नोईस कौन थे, देखो किंग ऑफ जोधपुर आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू अरेंज वुड। किंग ने बोला अपने मंत्रियों को कि जाओ वुड को लेकर आओ, वो लोग गए। अब वुड के लिए क्या करना पड़ेगा, पेड़ काटना पड़ेगा। वहां के लोगों ने, उसमें से एक बहुत ही ब्रेव लेडी थी अमृता देवी, उसने क्या किया, पेड़ को चिपका लिया। उसने बोला पेड़ काटोगे ठीक है, लेकिन मुझे भी काटोगे। उसके चक्कर में पता नहीं कितने लोगों ने जान दी, और एक तरीके से रेवोल्यूशन आ गया कि हम पेड़ को काटने नहीं देंगे। एक मैंडेट, काटना भी जरूरी है, हमें स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, लेकिन एक मैनेजमेंट होता है काटने का। ये नहीं आप काटते जा रहे हो और उगा ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो उनके नाम पर एक अवार्ड रखा गया, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड प्रोटेक्शन अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। सेव ट्रीज, नो लाइफ, गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, हो गया हमारा चैप्टर, ठीक है। देखो इन्वायरमेंटल इश्यूज मैंने वन गो में करा दिया, मेरा मुझे पता है आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, आप मेरे साथ जुड़ते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। देखो 1 year and 2 year सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, MB10 प्रोमो कोड आप यूज करो, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो, अब बच्चों की क्या फरमाइश है, मैं प्लांट किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं रेगुलर वन शॉट वन वीडियो ले आ रही हूं। कल अगर हमारा हुआ तो हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का वन शॉट वन वीडियो ले लेंगे, देन हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में से उठा लेंगे। तो सारे चैप्टर्स का हम लोग वन शॉट वन वीडियो ले लेंगे, फिर जैसे हमें लगेगा कि एक यूनिट में 4 chapters का सबका वन शॉट हो गया, फिर उस पूरी यूनिट का मैराथन ले लेंगे, थ्योरी वाइज भी, क्वेश्चन वाइज भी। तो हैव फेथ ऑन मी स्टूडेंट्स, आई एम ऑल्सो हैविंग फेथ ऑन यू। प्लीज Unacademy लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के बाद NEET UG का 1 year and 2 year सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। MB10 प्रोमो कोड यूज करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा।
अपने और फ्रेंड्स को बताइए कि एमबी मैम लेट्स क्रैक नीट यूजी पर आगे अन अकेडमी के हर सेशन में रेगुलर रहिए, आपको बहुत अच्छा देने वाली हूँ। नीट एग्जाम होने से पहले 7 जुलाई तक मैं 2 बार आपका नीट रिवाइज कर, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, अब अगले सेशन में मिलेंगे एक नए वन शॉट वन वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।